देखिए ऐसा है कि ये सीता समाहित स्थल जो मानवता का उद्गम स्थल है और अयोध्या का सीता समाहित स्थल का बहुत गहरा संबंध है। सर्वविदित है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम राजधर्म का पालन करते हुए भगवती माँ जानकी को यहीं छोड़े थे, लव कुश का यहीं जन्म हुआ और यहीं पर जगत जननी भगवती माँ समाहित हुई। तो राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत लंबे काल से जो विवाद चल रहा था, एक साल पहले हम यहीं से आकर के और यहीं भगवती माँ जानकी के चरणों से जो है मिट्टी लेकर के हमने संकल्प लिया था, यदि राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो मैं जो है आत्मदान कर लूंगा। और इसके बाद फिर हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको जो है पत्र लिख करके फिर मैंने आमरण अनशन किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने आश्वासन दे करके और आमरण अनशन तोड़वाए थे और मेरा बराबर प्रयास चलता रहा। इसके बाद एक पता नहीं भगवती माँ जानकी का जो है एक ऐसा चमत्कार तब से देखा गया कि जो अशोक सिंगल के बाद में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल सुसुप्त पड़ गया था, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी, कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो अचानक एक ऐसा जो है एक हलचल मचा और सब जगह केंद्र सरकार में भी जो है इसकी एक हलचल मची और आज सर्वोच्च न्यायालय में डेट डे हेयरिंग जो हो रही है ये जगत जननी भगवती माँ जानकी के कृपा का फल है। अब मुझे विश्वास हो गया जो आर्टिकल 370 हटाया गया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले बात चलती थी लेकिन पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नहीं था, कश्मीर में जो है दो संविधान थे, दो निशान थे, दो विधान थे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रयास जो है राष्ट्रभक्ति का उनका जो प्रयास रहा वो सफल रहा और आज हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गया है। और विपक्षियों के चेहरे जो है बेनकाब हुए हैं, जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे थे जनता के सामने वो बेनकाब हो गए हैं और अब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बनने के जो है तो सारे रास्ते साफ होते दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से चीफ जस्टिस निरंजन गोगोई जो है नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह विवाद खत्म हो जाएगा और उसके जो सारे साक्ष्य मिले हैं सारे राम मंदिर के मिले हैं, वहां बाबरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वैसे भी एक विदेशी आक्रांता जो देश को लूटने के लिए आया आतंकवादी बाबर, उसको हिंदुस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं। जब आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं है तो बाबर को हिंदुस्तान में जो है रखना ये जो है एक एक तरह से कलंक की तरह था और उस कलंक को हम लोगों ने ढहाया था। और आज जो है मानवता की जीत हुई है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा देश पुनः जो है भारतीय संस्कृति का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। अब जो है केंद्र सरकार की राष्ट्रभक्ति से पूरा देश उत्साहित है और हम सारे धर्माचार्य साधु संत जो है हम लोगों को यकीन हो गया है कि राम मंदिर भी बनेगा और राम मंदिर के साथ साथ होगा निर्विवाद होगा, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि अब भारत का मुसलमान जाग चुका है। भारत के मुसलमानों को ये पता लग गया, देखिए अयोध्या में 32 मस्जिद हम धर्माचार्य बनक्षण में है और साथ में साथ ही साथ इस समय जो है राष्ट्र निर्माण चल रहा है। तो हमने जो आत्मदाह की जो हमारी वो थी